टीस्पून ग्लिसरीन का हम मिलाएंगे। आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, मैं अपनी मर्जी से इसको ऐड कर रही हूँ। ठीक हो गया, ये तीन चीजें होगी, बस ये तीन ही चीजें हमें चाहिए। इन तीनों चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप ये देखेंगे बड़ा प्यारा ऑयली सा ये स्क्रब बन गया। इसकी स्मेल बहुत प्यारी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी। अब आपने क्या करना है कि आपने पेस्ट को लेना है अपने हाथों पे, गर्दन पे, पांव, बाजू और चेहरे पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चेहरे के लिए भी है। आपने इसको लेके चेहरे पर लगाना है। लगाने के 5 मिनट तक आपने हल्के हाथ से मसाज करना है। रगड़ना नहीं है कि आपकी स्किन रेड हो जाए एकदम से। चेहरे की जिद बहुत हसास होती है, तो नरम हाथों के साथ आपने मसलसल इसका मसाज करना है, जो कि 5-7 मिनट लाजमी होना चाहिए। 5 से 7 मिनट जो है वो इसको मैं मसाज करूंगी। लगा के थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। लगाने के 5-7 मिनट मैं मसाज करूंगी। आप देख रहे हैं कि ये बहुत प्यारा सा मतलब सॉफ्ट सा पेस्ट बने। ग्लिसरीन ऐड करने से आपके हाथ में नमक चुभेगा नहीं, गिरेगा भी नहीं साइडों पे, कि आपको उसको स्क्रब करने में प्रॉब्लम हो। 5 से 7 मिनट मैंने मसाज किया, व्हाइटनिंग आपके सामने है। अब फिर भी मैं इसको 10 से 15 मिनट अपने हाथ पे यूं ही लगा रहने दूंगी। इस दौरान में आप इसका मसाज ना करें। 5 से 7 मिनट मसाज आपने कर लिया वो बहुत है, और उसके 10 से 15 मिनट इसको यूं ही लगा रहने देंगे। अपना ग्लिसरीन ऑयल और ये साल्ट है वो काम करेगा, डेड सेल्स निकलेंगे। आपकी स्किन व्हाइटनिंग के साथ साथ जो सॉफ्ट होगी वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो आप इसको खुद फील करेंगे। ठीक हो गया जी। फाइनली मैंने अपने हाथों को 20 मिनट के बाद वॉश कर दिया। रिजल्ट आपके सामने, आई एम श्योर रिजल्ट आपको दिख रहा होगा और आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और आप सॉफ्टनेस स्किन में भी आपको नजर आ रही है, लेकिन इसको छू के देखेंगे, आपको तो अप्लाई करेंगे तो आप हैरान होंगे कि आपको आपकी स्किन एकदम से बिल्कुल बेबी स्किन की तरह हो जाएगी, एकदम सॉफ्ट और नॉर्मल लाइन। मुझे पूरा यकीन है कि ये सिंपल सादा लेकिन बहुत पावरफुल टिप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। किसी फंक्शन पर जाने से पहले इसको लाजमी इस्तेमाल करें। 5-10 मिनट का ये जो अमल है, इससे आपकी स्किन बहुत ही प्यारी हो जाएगी। आप जब तक खुद इसको अप्लाई नहीं करेंगे बाकी टिप्स की तरह, आपको रिजल्ट जो है वो मतलब नहीं पता चलेगा। पर मैं ये चाहती हूँ कि खुद पर आप अप्लाई करें, और आपको पसंद है वीडियो दूसरों के साथ लाजमी शेयर करें, और जो नए दोस्त है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही छोटी छोटी मगर फायदेदार जबरदस्त वीडियो जो है वो मिलती रहे। और इसके साथ मेरा दूसरा चैनल सबाजी लाइब्रेरी के नाम से जो हमने क्रिएट किया है, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। वहाँ पे अपलोड होने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस भी आपको मिल जाए। और सबाजी लाइब्रेरी का जो लिंक है वीडियो के आखिर में भी आपको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। फाइनली चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ, जिसमें आपको ये कहना चाहेंगे कि अच्छी बात कोई भी कहे तो उसे पल्लू से बांधे, क्योंकि जब किसी मोती की कीमत मालूम की जाती है तो कोई नहीं देखता कि उसे समंदर की तह से निकालने वाला कौन है। ये इतनी साफ सादा और क्लियर बात जो है कि इससे जो है वो बेवकूफ लोग भी समझ जाएंगे। बहुत प्यारी बात है जिसने भी कही है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी और आप इस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती